उदाहरण तीन प्रश्न। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इस प्रश्न में हमें एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्योंकि यहाँ हमें एक से अधिक वृत्त लेने हैं तो उनकी त्रिज्याओं को हम नामांकित कर लेते हैं। चलिए ले लेते हैं पहले प्रथम वृत्त की त्रिज्या। मान लिया कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 है। द्वितीय वृत्त की त्रिज्या बराबर R2 और तृतीय वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R से दिखा देते हैं। बराबर कैपिटल R। चलिए अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अभीष्ट वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अन्य दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हम लिखेंगे अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल धन द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल। अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल क्या लेंगे हम? पाई कैपिटल R का वर्ग, और प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का वर्ग धन द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का वर्ग। पाई दोनों ही पदों में है अर्थात उसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे पाई कोष्टक में R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। दोनों पक्षों में पाई का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा R का वर्ग बराबर R1 का वर्ग धन R2 का वर्ग। R1 का मान हमारे पास है, हम इसका मान लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर और R2 का मान हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो हमें प्राप्त हुआ कैपिटल R का वर्ग बराबर 8 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो ये मान हो जाएगा 64 धन 36। तो R का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ है 100। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होगा R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या मिली हमें 10 सेंटीमीटर।